नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाई नेटवर्क एप्लीकेशन में केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है। दोस्तों 2019 से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, पाई को माइनिंग कर रहे हैं। इतना इंतज़ार के बाद अभी इसका केवाईसी आ चुका है। फ्रेंड्स, हमको ये केवाईसी कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स दोस्तों, अगर केवाईसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो 15 मिनट के अंदर आपको केवाईसी कंप्लीट करना है। अगर आपको पाई केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाता है एप्लीकेशन में, अपने डॉक्यूमेंट के साथ रखो और केवाईसी स्टार्ट कर दो फ्रेंड्स, क्योंकि एक बार स्टार्ट किया तो बैक नहीं जा सकते फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर बैक चले जाते हो अगला केवाईसी नोटिफिकेशन आने तक आपको वेट करना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा एक बार मेरे साथ हो चुका है। ऑलरेडी 6 से 7 महीने पहले मैंने केवाईसी कंप्लीट करना था तो मेरे पास डॉक्यूमेंट रेडी नहीं थे, तो मैंने बैक आ चुका था, दोबारा वो नोटिफिकेशन मुझे नहीं दिखा फ्रेंड्स। उसके बाद मेरे को आज नोटिफिकेशन आया है और मैंने आज केवाईसी कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। ओके, 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करना रहता है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पाई नेटवर्क की केवाईसी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे करना है देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस टाइप में आपको केवाईसी नोटिफिकेशन आ जाता है, यू आर एलिजिबल फॉर द केवाईसी प्रोसेस। ये आपको 15 मिनट के अंदर आपको केवाईसी कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। ओपन द ब्राउजर्स, पाई ब्राउजर्स नाम से एक और एक एप्लीकेशन फ्रेंड्स, ये भी पाई नेटवर्क का ही ये एक एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। 15 मिनट के अंदर हमको केवाईसी कंप्लीट करना है। अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, इन चार डॉक्यूमेंट में आपको केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। तो इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट साथ में रखें, आपको केवाईसी के लिए स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। इंस्टॉल एंड साइन इन टू पाई ब्राउजर, अगर आपका पाई ब्राउजर का एप्लीकेशन नहीं है तो इंस्टॉल कर लो फ्रेंड्स, उसी में आपको केवाईसी करना है। पाई नेटवर्क एप्लीकेशन से रीडायरेक्ट करेगा पाई ब्राउजर। पाई ब्राउजर एप्लीकेशन ओपन हो गया फ्रेंड्स, इसमें आपको केवाईसी पाई जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है। पाई केवाईसी, नाइस टू मीट यू फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाई केवाईसी सॉल्यूशन। यहां पे फ्रेंड्स आपको अपनी कंट्री को यहां पे सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स। मैं यहां पे सेलेक्ट कर रहा हूं फ्रेंड्स इंडिया। नेक्स्ट आपको आईडी टाइप, यहां पे आधार कार्ड है फ्रेंड्स, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है। फ्रेंड्स मैं यहां पर सेलेक्ट कर रहा हूं पैन कार्ड से केवाईसी करता हूं। फ्रेंड्स इसमें जो पहला जो टिक है फ्रेंड्स, हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है हम शेयर कर रहे हैं उसके लिए, वेरिफिकेशन पर्पस के लिए हमको ये टिक करना है फ्रेंड्स। सेकेंड थिंग ये है फ्रेंड्स, जो हमसे 18 ईयर ओल्ड है वो, थर्ड वाला आई अग्री टू पे 1 पाई टू वैलिडेटर्स। पाई केवाईसी करेगा, कंप्लीट करेगा हमारा जो वैलिडेटर है, वैलिडेट करने के लिए हम उनको एक पाई दे रहे फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेट्स गो फ्रेंड्स आगे। व्हाट विल यू नीड, आईडी फोटो, टेक ए फोटो ऑफ योर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी कार्ड विथ योर इन्फॉर्मेशन विजिबल। हमको 5 मिनट के अंदर हमारा फोटो काटना है फ्रेंड्स, जो आई कार्ड डॉक्यूमेंट का फोटो देना है और ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो देना है, जो भी हम डॉक्यूमेंट उनको शेयर किया है उस डॉक्यूमेंट का फोटो हमको देना है। टाइप इन योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वाला आइडेंटिफाई कन्फर्मेशन। पाई पेमेंट, पेमेंट ऑफ 1 पाई इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर केवाईसी, यू विल बी चार्ज्ड वंस यूर पाई इज ट्रांसफर टू द माइनेट। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, इन तीन डिटेल्स को 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। टेक ए पिक्चर ऑफ यूर आईडी इन लैंडस्केप मोड। फ्रेंड्स जो फोटो निकालना है हमको लैंडस्केप मोड में निकालना है। चलिए नेक्स्ट दबाते हैं, आई एम रेडी पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है फ्रेंड्स। मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया था जो डॉक्यूमेंट, अभी मेरे को पैन कार्ड अपलोड करना है फ्रेंड्स। मेक श्योर आई डी इज इन हॉरिजेंटल पोजिशन। फ्रेंड्स आई डी को हॉरिजेंटल मोड में रखना है। ओके, एड फ्रेंड फोटो, फोटो निकाल भी सकते हैं फ्रेंड्स या तो फिर आप गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। फोटो क्लियर होना चाहिए ताकि केवाईसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने पैन कार्ड अपलोड कर दिया फ्रेंड्स। अभी एड बैक फोटो, तो पैन कार्ड का बैक फोटो का कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, अभी हमको वैसे ही नेक्स्ट करना है। अगर आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो फिर आपको बैक साइड का भी आपको फोटो अपलोड करना है। अपना आईडी कार्ड अपलोड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना नाम और मिडल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, प्लीज एंटर योर डेटा इन द सेम लैंग्वेज दैट योर आईडी इज राइटन इन। जिस लैंग्वेज में आपका डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उसी लैंग्वेज में आपको नीचे नेम और मिडल नेम, लास्ट नेम आपको फिल करना है फ्रेंड्स। फर्स्ट नेम डालना है फ्रेंड्स, नाम डालना होगा। मिडल नेम अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं, आप छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम आपको कंपलसरी डालना होगा। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। एड्रेस डालना होगा फ्रेंड्स, एड्रेस लाइन 1 लाइन 2, पहला वाला जो आपको कंपलसरी डालना होगा, नीचे का ऑप्शनल है आप छोड़ भी सकते हैं। और सिटी सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना स्टेट का सेलेक्ट कर लीजिए, जो डॉक्यूमेंट में है एड्रेस वही डालना है फ्रेंड्स कंपलसरी, कोई थोड़ा भी मिस मत कर लीजिएगा वैलिडेट होने में ताकि कोई इशू ना हो। जी पोस्टल कोड, एरिया कोड डालना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको डालना है कंट्री। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट आईडी नंबर। डॉक्यूमेंट आईडी जो है फ्रेंड्स, ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसी का नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स, आइडेंटिटी
कन्फर्मेशन। यहाँ पे दो फोटो दिया फ्रेंड्स, गुड एग्जांपल दिया है, एक बैड एग्जांपल दिया है। जो बैड एग्जांपल में मास्क लगाया हुआ है, जो गुड एग्जांपल है कोई भी मास्क नहीं लगाने, कोई भी कैप नहीं लगाना, आपको फोटो निकालना है फ्रेंड्स। आई एम रेडी पे क्लिक करना है, नेक्स्ट ऑप्शन फोटो निकालना है फ्रेंड्स। फोटो के साथ साथ वो रिकॉर्ड भी कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अपलोडिंग यूअर डेटा, डोंट लीव द ऐप, एप्लीकेशन रिव्यू, प्लीज कन्फर्म द एक्यूरेंसी ऑफ द डेटा यू प्रोवाइडेड बिलो, इफ यू वॉन्ट टू मेक एडिट्स प्लीज यूज द एडिट आइकॉन। दोस्तों यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन अभी जो आपने फिलअप किया है वो रिव्यू करेगा आपके सामने। अगर उसमें कुछ आपको चेंजेस करना हो या फिर कुछ गलत आपने इन्फॉर्मेशन दिया हो तो उसको आप सही कर सकते हो। यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिया है तो आप एडिट करके दोबारा आप चेंजेस कर सकते हो। अगर कोई चेंजेस नहीं करना है तो नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। वी आर प्रोसेसिंग यूअर डेटा, KYC सबमिट होने करने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं फ्रेंड्स। हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने फिलअप किया है वो हमको ऑलरेडी शो कर दिया है। अभी नेक्स्ट हमारा जो फोटो निकाला था, जो डॉक्यूमेंट के ऊपर फोटो है, जो अभी हमने फोटो निकाला था वो हमको शो कराएगा। सबमिट में क्लिक करना है फ्रेंड्स। सबमिट एंड पे, यू विल बी चार्ज्ड 1 पाई वंस यूअर पाई इज ट्रांसफर टू द माइनेट। सबमिट एंड पे पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। सबमिट एप्लीकेशन, यस डेटा इज एक्यूरेट पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। एक बार फिर अपलोडिंग यूअर डेटा, डोंट लीव द ऐप, हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है वो सबमिट हो रहा है फ्रेंड्स। कंग्रेचुलेशन, यूअर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड फ्रेंड्स। यहाँ पे थैंक यू फॉर यूर सबमिटिंग यूर KYC एप्लीकेशन, यू विल बी नोटिफाइड अबाउट द स्टेटस ऑफ यूर एप्लीकेशन वेरी सून। इफ यूर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड यू कैन अप्लाई टू द BCom KYC वैलिडेटर इन फ्यूचर। नीचे दिया है फ्रेंड्स सी स्टेटस, अपना जो स्टेटस है हम चेक कर सकते हैं कहाँ तक पहुंचे हैं। सी स्टेटस पे आप क्लिक करके देख सकते हो, वहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फिल किया है वहाँ पे रिव्यू इन प्रोसेस बोल के अभी दिखाएगा। मैं जैसे ही मेरा KYC कंप्लीट हो जाता है, फुली सक्सेसफुली पास हो जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैंने एक घंटे के बाद चेक किया तो यूअर एप्लीकेशन स्टेटस में आपको अप्लाइड KYC पासड आ चुका है। यूअर KYC एप्लीकेशन इज कम्प्लीटेड एंड अप्रूव्ड फ्रेंड्स। फाइनली मेरा सक्सेसफुल हो चुका है, मेरा जो पाई नेटवर्क का KYC है मैंने कम्प्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो आपका जो पाई नेटवर्क का जो एप्लीकेशन है आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगा, फिर आपका जो KYC कम्प्लीट कर लो फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन हमको भी मिलेगा।